सब लोग। सर प्लीज साइड हो जाइए। अरे भाई टिकट अंदर ले लो यार। कंग्रेचुलेशन 10 मिलियन। पीछे देखना अरे अरे मैडम अरे पहला फोटो कर लेते हैं फिर वीडियो कर। चलो वीडियो कर। मैम इधर आइए। यार कैसे हो आप? मैम यू राइट। मैम यहाँ थोड़ा पीछे। मैम होल्ड है कंग्रेचुलेशन रुबीना जी। रुबीना जी इनके पास देखो। रुबीना जी फर्स्ट फर्स्ट रुबीना जी फर्स्ट। मैम ये सेंटर। रुबीना जी सेंटर। मैम मेरे पास देखा ही नहीं। रुबीना रुबीना बोलना। रुबीना जी रुबीना मैम इधर मैम इधर। रुबीना मैम यहाँ पे। रुबीना जी आपके भाई वाइट कलर में जा 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 ओके। रुबीना मैम थैंक यू। रुबीना जी मैम यहां पे होल्ड। ओके जी। थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू। गॉड ब्लेस। ओहो क्या बात है सुधा जी। पांडे जी मुझे भी तुम सबसे प्यार है। खाली तुमसे ही नहीं पांडे देख ले। पांडे हम सबसे प्यारे हैं। इतनी मेहनत करते हो यार तुम तो ऑफ कोर्स। अरे पीछे व्हाइट फ्रेम मिलेगा। लाइट पे चल कर क्या लाइट लगा के ऐसे रखा। फर्स्ट फर्स्ट सर एक दूसरे को देखो ना जरा। अरे शादी में है यार। बस 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 वेडिंग फोटोग्राफर पहले वेडिंग फोटोग्राफर इसीलिए रखा है। ओ तभी और इसमें तेरा हाथ पीछे का सेंटर। अच्छा चलो सेंटर मुझे फर्स्ट फर्स्ट अभी लो सर ऐसा उधर उधर ये अच्छा था। अभी इधर ये सर सेंटर कौन लाइट दे रहा है यार। अब सेंटर बिग बॉस ओटीटी चालू हो गया। यहाँ पे भी दीजिए। मैम बिग बॉस ओटीटी चालू हो गया फिर भी हम एक्स कंटेस्टेंट को मिलना है। थैंक यू सेंटर। यहाँ पे आपकी आंखें चमक रही है रुबीना जी। आंखों में चमक। अरे यार जी ये आंखों की चमक है। वेडिंग फोटोग्राफर नहीं था शायर था। अरे सामने सर फोटो होता है। अरे पांडे मोबाइल छीन लेगा तेरा 50 रुपए वाला। मैडम सेंटर फर्स्ट यहाँ पे। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वेटिंग। द हिल्स बिकॉज हमने बहुत प्यार से गाना बनाया है और आपका इतना प्यार देखकर इट इज एब्सोल्युटली ओवरवेलमिंग। विशाल सर के साथ कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। हालांकि हम अभी ऐसे आमने सामने रूबरू नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ आवर शूटिंग्स एंड वर्क स्केड्यूल्स बट जितना भी उनसे लाइव सेशन में बात हुई जितनी भी उनसे हमने एक नॉर्मल कम्युनिकेशन वगैरह की ही कम्स अक्रॉस एज अ फैंटास्टिक गाय। और उनकी वो जो खूबसूरती दिल की खूबसूरती उनकी आवाज़ में
मतलब ऑटोमेटिकली झलकती है. सो इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट. ओके, आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है आज. और थैंक यू. तो क्या कहना चाहेंगे, कितना टाइम लगा और पूरे सिंपल सोबर आप दिख रहे हैं आज. मैं मुझे ना ऑनेस्टली मुझे तैयार होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है. इट्स जस्ट गर्मी हो तो टिश्यू पेपर से डैप कर दो, पसीना ज्यादा आए तो पाउडर लगा दो, फिनिश. और गाने की बात करें तो गाना बहुत ही अच्छा है, सर के साथ आपने किया है, मतलब एक रोमांटिक गाना लग रहा है. और चाय के साथ मस्ती हो रही है, रोमांस हो रहा है, क्या कहना चाहिए. ये ना रोमांस ओवर द कप ऑफ टी है. सो सेंटर लुक चाय का जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यू नो किरदार है पूरे गाने में. और कैसे एक छोटे छोटा सा लव स्टोरी एक छोटे से शहर की सभी के दिलों को छूती है. सो दैट्स अबाउट द सॉन्ग. इसमें सबसे ज़्यादा आपको कौन सा सीन पसंद आया पूरे गाने में. जब पूरा दिन मैं इंतज़ार करती हूँ और मैं देखती हूँ कि अभी तक वो आई नहीं है और क्यों नहीं आया, क्या हुआ, एंड सडनली नेक्स्ट मॉर्निंग मैं देखती हूँ. सो यू नो दैट स्माइल दैट कम्स एंड यू नो वो अपना हाथ ऐसे उठाते हैं. सो मतलब इट इज़ लाइक ओ माई गॉड कंसर्न एंड दैट टू लव एंड दैट टू शाइनस एंड दैट टू यू नो एक्साइटमेंट ऑफ लुकिंग एट हिम. सो वो इतने सारे इमोशंस एक साथ वो 10 सेकेंड में जो दिए हैं और जो किया था. सो इट वॉज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स ऑल्सो एंड इमोशनली ऑल्सो काफ़ी सारे ट्रांजिशन एक साथ ही थे. सो आई मीन दैट वॉज माई फेवरेट. और लोकेशन के बारे में बताएं कहाँ अच्छे लोकेशन लगे. किसके बारे में. लोकेशन 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 मलेरकोटला पंजाब में बहुत ही सुंदर जगह है. और हमने जब लोकेशन पहली बार देखी, हम जब शूट कर रहे थे, अपने आप वो गाना मैं विजुअलाइज कर पा रही थी कि कैसे वो गाना बनेगा. एंड ट्रस्ट मी जैसा सोचा था वैसा ही गाना बना है और बहुत मज़ा आया शूटिंग. एक सीन था जिसमें आप साड़ी खरीद रहे थे, वो आपको मना के इशारे से रेड स्टेप दिखा के. हाँ, वो उन्होंने कहीं ना कहीं वो हिंट दिया कि मुझे लाल पसंद है, तो मैंने फटाफट से यू नो आई पिक्ड अप द लाल सलवार. रुबीना मैम, देश के लिए काफ़ी खुशी का दिन है कल से. अगर हम बात करें इन दिनों लगातार हॉकी हो या गोल्ड मिला है नीरज चोपड़ा के द्वारा, क्या कहना चाहिए उसको लेके देश गौरव. आई मीन देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा एक मोमेंट है. और आई मीन एज अ इंडियन ऑल्सो आई फील सो 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 प्राउड. और वैसे भी आप कोई भी गेम उठाकर देख लीजिए, इंडिया इज़ यू नो कमिंग अक्रॉस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम प्राउड टू से दैट इंडिया एज अ कंट्री इज़ प्रोड्यूसिंग सच स्ट्रॉन्ग एथलीट्स. और हम हर क्षेत्र में अपने आप को जगह जगह जाकर एक परिपूर्ण रूप से दर्शा रहे हैं. सो आई थिंक एज अ नेशन इट इज़ लाइक अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस. मैम, अगर एक बात करें तो बिग बॉस अभी OTT पे आ रहा है, आज से लॉन्च है, आप भी एक बिग बॉस विनर है जी, तो आप कैसे देखेंगे OTT पे फिर TV पे. मुझे मज़ा टेलीविजन पर आता है, बट ऑफ कोर्स OTT पर लाइव आ रहा है 24/7 होगा, जैसा मेरा सीजन था 24/7 लाइव था. सो OTT पर इस बार सुनने में आ रहा है दैट यू नो इट्स गोना बी डिफरेंट एंड समथिंग मोर क्रेजी. सो आई थिंक आप सभी दर्शकों को मज़ा आने वाला है और रूट पर आप लोग जो हैं लगातार 24 घंटे देखते ही रहेंगे. करण सर होस्ट कर रहे हो. ओ यस, करण सर इज होस्टिंग. आई मीन आई लव हिज विट एंड आई लव हिज ह्यूमर. हेलो, देखो वी फाइनली मीट. विशाल सर आ गए. कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस आई गॉट यू. हां यार, बिलो पर यू इज आल्सो जॉइनिंग अस. या जॉइन हो जाइए. मुझे बैठना है. हां बैठिए ना प्लीज. रोल रुबीना सर, क्या कहेंगे इतना प्यार मिल रहा है गाने को. रुबीना मैम साथ में बिल्कुल प्यार मिला है क्योंकि गाना ही बहुत अच्छा था. मिश्रा जी की आवाज़ इतनी अच्छी थी, ऊपर से गाना बहुत अच्छे से फिल्माया गया है और रुबीना है बीच में, तो क्यों ना मिले प्यार, मैं हूँ बीच में, तो थैंक यू. लेकिन और प्यार चाहिए थोड़ा, तो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो ऑन रिपीट. एक दिन में गाने ट्रेंड करने गए, ट्रेंड चल रहा है. करेक्ट, 10 मिलियन भी हो गया. करेक्ट, लाइक आई सेड यार, गाना ही अच्छा है तो मतलब वो सुनने को भी, मतलब जो लोग जो सिर्फ लिसनर्स हैं जो हमको नहीं जानते, इवन दे आर सेइंग कि यार लव द सॉन्ग. सो आई थिंक इट विल इट्स रियली गोइंग टू पिक अप नाउ और अच्छा होगा.
विशाल सर भी गए साथ में, तो उनका कैसा था शूट का एक्सपीरियंस? एक्चुअली हम शूट नहीं इकट्ठे कर पाए, विशाल और हम शूट नहीं कर पाए, बिकॉज जब वो शूट करने आ रहे थे तो हमको वैसे जाना था घर, बिकॉज मैं लुधियाना में ही शूट कर रहा था, मेरा होम टाउन, सो मुझे माँ बाप के आम और आलू के पराठे वेट कर रहे थे तो हम मिल नहीं पाए, लेकिन मिलेंगे ज़रूर जल्दी। लोकेशन की बात करें तो बहुत प्यारा लोकेशन शूट हुआ है, कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली एक बहुत पुराना शहर है मलेरकोटला, बहुत उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, और कोइंसिडेंटली मेरे कुछ मदर के रिलेटिव भी वहाँ रहते हैं, तो एक जब मैं छोटा था तब गया था, उसके बाद अब गया हूँ काम करने, सो बहुत चेंज हो गया वो, स्मॉल टाउन से अब बड़ा एक ह्यूज टाउन बन गया है वो। सर इस बार बिग बॉस OTT पे आ रहा है, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? यार ये बोलूँगा कि OTT पे आ रहा है तो और धमाल होगा और ओवर द टॉप होगा, और अभी देखते हैं कौन कौन घर के अंदर है, 8:30 हो रहे हैं भाई, अभी तो रिवील हो गया होगा कौन कौन है। करण सर होस्ट कर रहे हैं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, ही इज अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, ही इज वेरी विटी, सो मज़ा आएगा उनको देख के, यू नो कंटेस्टेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते हुए देख के। सर आपने कल पढ़ा होगा नीरज चोपड़ा का न्यूज़, जो गोल्ड मेडल मिला ओलंपिक में भारत के लिए गौरव की बात। मैं ये कहना चाहूँगा सलाम भाई, जय हिंद, देश का नाम रोशन किया तुमने, और इट्स अ बिग अचीवमेंट, सो मैनी मोर, मैं चाहता हूँ और आए और मेडल आए। फैंस को क्या कहेंगे आखिर में रुबिन और आपके बारे में? फैंस को ये कहूँगा प्लीज़ यार गाने को देखें और ज़रूर उस पर रील्स बनाएं, ढेर सारी क्रिएटिविटी दिखाएं अपनी, और ऐसे ही हमें प्यार देते रहें, हम भी आपसे मिलते रहेंगे आपके ज़रिए। थैंक यू हिट हो गया है, हो गया क्या? 10 million 3 days बहुत अच्छा लगता है भाई, लोग प्यार करते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ से होती है कि हम सब आर्टिस्ट हैं और हम सब लोग बहुत दिल से कुछ बनाते हैं और हमारे पीछे भी इतने सारे लोग होते हैं, तो जब लोग प्यार करते हैं आई थिंक अल्टीमेटली आर्टिस्ट वही चाहता है, इससे अच्छी इससे खूबसूरत होती है। किस तरह की रिएक्शन मिल रहा है सर आपको रुबीना मैम को लेकर, टेलीविजन की टॉप एक्ट्रेस हैं, क्या रिएक्शन मिल रहा है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा इनके फैंस क्रेजी हैं बहुत प्यार करते हैं, और ये खुद इतने स्वीट हैं, इवन अभिनव भाई, आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम, मुझे लगता है कि एक प्रोजेक्ट अच्छी एनर्जी से बनता है, और इस तरीके की टीम एफर्ट और इस तरीके की एनर्जीज जो हैं इस प्रोजेक्ट में, दैट इज व्हाई इट इज डूइंग सो वेल, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू दैट। एब्सोल्युटली टू ऑल ऑफ अस, आई मीन अभिनव पूरे इंटरव्यूज में बोलते रहे दैट यू नो ही क्रिएटेड सच अ ब्यूटीफुल सोल दैट वी वर जस्ट लाइक अ बॉडी टू द होल सोल, सो ही हैज डन इट अ फैंटास्टिक जॉब, सो आई थिंक या इट्स लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, सो आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई हैड अ क्रेजी टाइम, द बाथरूम इज वाटर, यू कैन स्टैंड अबाउट इट, उधर फर्स्ट में सेंटर मैम, इधर इधर देखिए आप सेंटर सेंटर, अरे अपन सेंटर ले तो जो फिर तब करते पूरा टाइम इधर, हां जी सेंटर, हां जी बिना जी थैंक यू हां जी सेंटर चल सर, ये थोड़ा पीछे।